आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गईं, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठाकुर सुहाती यानी मुँह देखी कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। दूसरे को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा ही नहीं जाता, इसीलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरन मंथरा को अपनी सुहृद यानी अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया।
बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भावी होनहार है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोल कर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की साढ़ साती यानी शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है। परंतु यह बात पहले थी, ये दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको यानी कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौसल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे रूंद दो यानी सुरक्षित कर दो। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है, आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय सियाराम।